हैंड सैनिटाइजर की बात करेंगे तो कितनी ज़्यादा कंपनीज जो है वो हैंड सैनिटाइजर जो है वो बना रही है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, तो फिर उन ऑप्शंस में से चूज़ करना हमारे लिए ज़रा मुश्किल होगा। तो फिर हमने वन बाय वन तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट्स होंगी उनके इंग्रेडिएंट्स या उनके अंदर जितने भी अज्जा होते हैं उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, इन्वॉल्व होंगे, फिर डिसीजन लेंगे। हालांकि हैंड सैनिटाइजर इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है, कंपेयरिंग फ्रिज, मोबाइल, फर्नीचर एंड एलईडी वगैरह। ठीक हो गई, ये समझ आ गई। उसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की दी गई है कि अ पीसी बायर, एग्जांपल अ पीसी बायर में नॉट नो व्हाट एट्रीब्यूट्स टू कंसीडर, मैनी प्रोडक्ट फीचर्स कैरी नो रियल मीनिंग, आ 3.2 GHz इंटेल कोर i7 प्रोसेसर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी आपकी जो है वो क्या उसे कहते हैं स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कि एक कस्टमर या एक क्लाइंट जो है वो अपने माइंड में रखेगा जब उसने कोई प्रोडक्ट यानी कि कोई कंप्यूटर सिस्टम उसने खरीदना है, कोई लैपटॉप खरीदना है, ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन वो अपने माइंड में रखेगा। और मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज होंगी उन कंपनीज की प्रोडक्ट जो है उसको वो देखेगा कि कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट उसको सूट कर रही है, लैपटॉप के हवाले से भी, चूंकि एक्सपेंसिव है, वेरी फ्रिक्वेंटली हम लोग परचेज नहीं किया करते, कम कम परचेज करते हैं, लेकिन हम लोग जब भी परचेज करेंगे तो इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे आता है डिसनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमने देखना है कि व्हाट इज डिसनेंस। जी, तो डिसनेंस रिड्यूसिंग का मतलब क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं ऐसी सिचुएशन में, जो डिसनेंस रिड्यूसिंग होती है। बच्चों, डिसनेंस रिड्यूसिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स के यानी ब्रांड्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, जो ब्रांड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज तो नहीं होना चाहिए, बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो इन्वॉल्व होके कोई एक प्रोडक्ट के बारे में, किसी एक ब्रांड के बारे में डिसीजन ले सकता है। ठीक हो गया जी, अब मिसाल इसकी एग्जाम्पल जो है वो भी हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने डिस्कस करना है व्हाट इज डिसनेंस। डिसनेंस का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ नॉट दैट क्लियर, जो गैर हमवार हो, जो क्लियर नहीं है, तो अनक्लैरिटी को एक किस्म की हम लोग डिसनेंस कहेंगे। तो डिसनेंस रिड्यूसिंग किसे कहेंगे कि वो एक इंसान के अंदर की जो अनक्लैरिटी होती है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, यानी कि जो कन्फ्यूजन होगी दिमाग के अंदर चल रही होगी उस कन्फ्यूजन को हम लोग कम करेंगे। ठीक हो गया जी, ठीक है, यानी कि डिसनेंस का मतलब होता है कुछ जो चीज़ हमवार नहीं होती, ठीक है, हार्मनी जिन चीज़ों में नहीं होती। तो आपने हार्मनी क्रिएट करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, 100% श्योरिटी के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए फिर आपने इन्वॉल्वमेंट शो करनी होती है। ठीक है, डिसनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर अकर्स व्हेन कंज्यूमर आर हाईली इन्वॉल्व विद एन एक्सपेंसिव, इनफ्रीक्वेंट और रिस्की प्रोडक्ट। अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की और जो इनफ्रीक्वेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद नहीं है। कंज्यूमर बाइंग कारपेटिंग में फेस अ हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन बिकॉज कारपेटिंग इज एक्सपेंसिव एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव, येट बायर्स मे कंसिडर मोस्ट कारपेट ब्रांड्स इन अ गिवन प्राइस रेंज टू बी द सेम। बायर्स मे रिस्पॉन्ड प्राइमरिली टू अ गुड प्राइस और परचेज कन्वीनियंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीकेकार है, ये एक बाइंग बिहेवियर है जिसमें हमारे पास जब हम लोग कारपेट मिसाल के तौर पर लेने के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंसेस होते हैं, तो इसमें हम लोगों ने, चूंकि कारपेट सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, तो हम लोगों ने खुद अंदाज़ा लगा के, खुद जज करके हमने एक प्रोडक्ट जो है उसको परचेज करना होगा। कारपेट्स के मीनिंग्स क्या होंगे, उससे थीम क्या होगा, कलर थीम क्या होगी, उसके ऊपर जो बने हुए नक्श निगार है वो क्या मैसेज दे रहे होते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने अपनी इन्वॉल्वमेंट के साथ समझनी होंगी। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम लोग परचेज करते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर बच्चों क्या चीज़ होती है कि हम लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं सिर्फ इसलिए खरीद रहे होते हैं कि हमें वो चीज़ प्रोडक्ट खरीदने की आदत हो चुकी हुई है होती है। हम एक ही ब्रांड को खरीद रहे होते हैं, ठीक है, सेम ब्रांड हम लोग बार बार मार्केट से खरीदते होते हैं, लेकिन वो सेम ब्रांड हम इसलिए नहीं खरीद रहे होते कि हम उस कंपनी के साथ लॉयल हैं, हम इसलिए खरीद रहे होते हैं कि हमें आदत पड़ चुकी है। मार्केट जाते हैं, सामने नज़र आया, हम खरीद लिया। मिसाल के तौर पे हम लोग का डिटर्जेंट खरीदते हैं, तो अगर एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर हम लोग डिटर्जेंट खरीदते हैं और अगर हमारे घर में सर्फ एक्सल आता है तो हम लोग मार्केट में जाके सर्फ एक्सल ही खरीदेंगे। एरियल भी मौजूद है, बोनस भी मौजूद है, उसके अलावा
हमारे पास सनलाइट भी मौजूद है, सूफी भी मौजूद है, और भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम लोग मार्केट में जाके सर्फ एक्सेल ही खरीदेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल के साथ हम लॉयल नहीं हैं। हम इसलिए सर्फ एक्सेल खरीदेंगे कि सर्फ एक्सेल के साथ कि हमें एक किस्म की हैबिट पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर अकर्स अंडर कंडीशंस ऑफ लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, तो हम नहीं चाहते कि हाँ हम एक छोटी सी प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी जो है वो मार्केट में इन्वॉल्व हो जाए और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके हम लोग प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है जी, इन्वॉल्वमेंट एंड लिटिल सिग्निफिकेंस इन द ब्रांड। ठीक है जी, अब आगे, फॉर एग्जाम्पल टेक अ टेबल सॉल्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है टेबल सॉल्ट की। हम लोगों को टेबल सॉल्ट खरीदने के लिए मार्केट में जाना है, कंज्यूमर हैव अ लिटिल इन्वॉल्वमेंट इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी, दे सिंपली गो टू द स्टोर एंड रीच फॉर अ ब्रांड। वो स्टोर में जाएंगे, एक ब्रांड पड़ी होगी, उठा के लेके आएंगे, वो दूसरी ब्रांड्स की तरफ फोकस ही नहीं करेंगे कि और भी ब्रांड्स मौजूद हैं, चलो वो भी ट्राई करते हैं, वो ट्राई नहीं करना हमने। ठीक है, एक ही ब्रांड को बार बार खरीदते जाएंगे और लेते आएंगे। और ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे आ रही होती हैं, लेकिन हम फिर भी उस ब्रांड के साथ लॉयल नहीं होते। हम सिर्फ इसलिए परचेज कर रहे होते हैं कि हमें उसकी एक किस्म की आदत होती है कि मार्केट जाएंगे और वही उठा के ले आएंगे। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने अगर बर्तन धोने के लिए बार यूज़ करना है तो विम बार यूज़ होती है, तो ये जो विम बार यूज़ होती है उसके साथ हम लॉयल अगेन नहीं है, बल्कि हम लोग क्या हैं, आदि हो चुके हैं। ठीक है, इफ दे कीप रीचिंग फॉर द सेम ब्रांड इट इज आउट ऑफ हैबिट रादर देन अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। वो इसलिए कि जब मार्केट में जाएंगे, मार्केट में चीज़ अवेलेबल होगी, हम उठाएंगे, हम ले आएंगे। अगेन ये आदत है हमारी, हमारी ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंज्यूमर अपीयर टू हैव लो इन्वॉल्वमेंट विद मोस्ट लो कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट कम होती है, फ्रीक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे हम लोग परचेज कर रहे होते हैं। जैसे मैं डिटर्जेंट की एग्जाम्पल दी, बर्तन धोने के बार की एग्जाम्पल दी, और जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ पे हैबिट इसकी टेबल सॉल्ट की पड़ी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट आता जी, तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे चौथे नंबर पे सॉरी आता है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अब ये जो होता है ये वैरायटी सीकिंग में होता है। वैरायटी सीकिंग का मतलब क्या होता है कि हम सीक कर रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो, कुछ ना कुछ पहले से डिफरेंट हमें मिले। तो हम अब यहाँ पे पहले से डिफरेंट चाहने की चाहत, पहले से डिफरेंट की चाहत में हम कोई नई प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर अंडरटेक वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट बट सिग्निफिकेंट परसीव्ड ब्रांड डिफरेंसेस। हम इन्वॉल्व तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन डिफरेंसेस बहुत हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी इसके एक दो दूंगा जिससे हम लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, इन सच केसेस कंज्यूमर्स ऑफन डू अ लॉट ऑफ ब्रांड स्विचिंग। हम लोग क्या होते हैं, ब्रांड स्विचिंग बहुत करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जो है वो शाम के वक्त चाय पीते हैं, और चाय के साथ हम लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के, हमारा दिल करता है कि हम बिस्किट्स खाएंगे। तो एक मरतबा हम लोगों ने गए मार्केट में और हम लोगों ने जो है वो सुपर ले आए अपने लिए। जैसे ही सुपर लिया, नेक्स्ट टाइम दोबारा से हम जब मार्केट में जाएंगे तो हमने सोचा सुपर लास्ट टाइम ट्राई किया था, क्यों ना इस मरतबा हम लोग कैंडी ट्राई करें। तो फिर जब हम कैंडी ट्राई कर लिया तो क्यों ना इस मरतबा हम लोग नमकीन बिस्किट ट्राई करें, क्यों ना नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो पीनट ट्राई करें, नेक्स्ट टाइम क्यों ना हम लोग जो है वो कोकोनट ट्राई करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद, चूंकि हमारे पास ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, चूंकि हमारे पास डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट फॉर अ चेंज, चूंकि ये एक्सपेंसिव परचेजिंग नहीं होती, जस्ट फॉर अ चेंज हम नेक्स्ट टाइम जब मार्केट जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे कुकीज के एग्जाम्पल, कंज्यूमर में होल्ड सम बिलीफ चूज अ कुकी ब्रांड विदाउट मच इवेल्युएशन एंड देन इवेल्युएट दैट ब्रांड ड्यूरिंग कंजम्पशन। ठीक है, हम लोग बाज़ का जब कुकीज खरीदने के लिए मार्केट पे जाएंगे और हमें नजर आएंगे कि मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड्स मौजूद हैं, तो हम खरीद तो लेंगे, लेकिन हम उस वक्त अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि ये ब्रांड अच्छी है या ये ब्रांड अच्छी नहीं है। हमें कब पता चलेगा, जब हम उसको खाएंगे, जब हम खाएंगे कुकीज़ घर ले आएंगे, बिस्किट्स खाएंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये ब्रांड अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। जो भी उसके बारे में हमारा डिसीजन होगा, इवैल्यूएशन जो कि उसके बाद जो डिसीजन होगा हम लोग कंज्यूमशन के दौरान हम लोग करेंगे। ठीक है, बट द नेक्स्ट टाइम द कंज्यूमर माइट पिक अनदर ब्रांड आउट ऑफ बोर्डम और सिंपली ट्राई टू समथिंग डिफरेंट। और नेक्स्ट टाइम जब हम मार्केट में जाएंगे तो हम लोग और चेंज कर लेंगे। तो हम बार बार जब चेंज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि वैरायटी हम लोगों को हासिल हो, इसे हम लोग कहते हैं वैरायटी सीकिंग
बाइंग बिहेवियर, ब्रांड स्विचिंग अकर्स